इस खास मौके पर रिलीज होगी दीपिका शाहरुख की पठान। ये एक्टर निभाएगा नेगेटिव रोल। शाहरुख खान ने अभी तक अपनी अगली फिल्म की आधिकारिक रूप से घोषणा तो नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने यशराज बैनर की फिल्म पठान साइन कर ली है। सिद्धार्थ राजानंद के निर्देशन में बनने जा रही इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। एक रिपोर्ट की माने तो यशराज बैनर ने इस फिल्म की रिलीज डेट भी फाइनल कर दी है और यह फिल्म दिवाली 2021 पर रिलीज होगी। सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्ट में कहा गया है कि शाहरुख और यशराज बैनर के मालिक आदित्य चोपड़ा ने जब जब किसी फिल्म के लिए हाथ मिलाया है तब तब उनकी फिल्म दिवाली पर ही रिलीज हुई है। वे अपनी अगली फिल्म पठान को भी दिवाली के मौके पर ही रिलीज करेंगे। पठान बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्शन फिल्मों में से एक होगी। पत्रकार बनकर पर्दे पर आएंगे शाहरुख किंग खान। शाहरुख को लेकर खबर आ रही है कि वे अभिनेता आर माधवन की फिल्म में अहम किरदार निभाने जा रहे हैं। धूम में अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत चुके जॉन एक बार फिर खलनायक के रूप में नजर आएंगे। एक्शन और देशभक्ति वाली फिल्मों में दिखने वाले जॉन अपने विलेन वाले किरदार को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। बताया जा रहा है कि यह रोल काफी अलग होगा। पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म का नाम रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट है। इसमें शाहरुख खान पत्रकार की भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन से लेकर लेखन तक हर पहलू खुद माधवन संभाल रहे हैं। फिल्म में नंबी नारायण का लीड रोल भी माधवन ही निभाने जा रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख पत्रकार के रूप में नारायण की जिंदगी के हर पहलू को दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शाहरुख का यह कैमियो नहीं बल्कि अहम रोल होगा।